राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। एक बार और राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम का नाम लेने में जिन जिन लोगों को आनंद आता है, एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे समर्पण के भाव से उठा ले, पूरे पूरे हाथ, और मिलके तालियों की सेवा के साथ एक दो तीन चार। राम इधर से भी बोलो राम
मानिए, जिसको ठाकुर के दरबार में अपनी हाजिरी लगानी होती है ना, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने कौन है, कौन गा रहा है, क्या गा रहा है। उसको इस बात से मतलब होता है कि मेरे प्रभु सामने बैठे हैं और मुझे एक माध्यम मिल गया है अपने मन की बात उन तक पहुंचाने का। और विश्वास मानिए, ऐसे प्रेमियों की बात और बाबा को मजबूरन सुननी पड़ती है। जब जब ठाकुर के
पड़ेगा। उठाइए एक बार पूरे पूरे हाथ और तालियों की ऐसी सेवा करना कि आज मेरे बाबा को भी यहाँ आगरा में आके आनंद आ जाए। एक साथ एक दो
बैठो, एक उठता नहीं है कि दूसरा। ओ भाई बैठ, जाना है जाओ, नहीं रोकूंगी। वैसे भी जाने वाले को जब बाबा नहीं रोक पाया तो मैं क्या रोक लूं, और क्यों रोकूं? जिस काम में दिल ना लगे ना वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगा किसी की बर्थडे पार्टी हो गई। जिस काम में इंसान का दिल ना लगे ना वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अधमने बोलते ना, क्या बोलते, आधे मन से कोई भी काम करते ना तो उस काम का फल बेकार ही होता है। कीर्तन में मन नहीं लग रहा, आराम से भजन खत्म होगा चले जाना। और भी दो चार लोग को देख लेना, जो जो आपकी पार्टी के लगे उनको भी लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलते भजन में, ये निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के आपसे। अब मैं गा रही हूँ, बताओ। जपू निरंतर, आइए मैं किसको किसको समझाऊं, किसको किसको रोकूं। एक काम करूं क्या, जितने लोग को जाना है मैं एक बार भजन रोक देती हूँ, सब लोग निकल जाओ एक साथ। हे दुख